हेलो दोस्तों, आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से आप अपने फेसबुक अकाउंट के अंदर एक इंस्टाग्राम अकाउंट को ऐड कर सकते हैं और ऐड करने के बहुत ही ज्यादा फायदे हैं। जैसे कि आप कोई भी पोस्ट अगर फेसबुक पे करते हैं तो वह पोस्ट ऑटोमेटिकली इंस्टाग्राम पे चली जाती है, आपको इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, जिससे आपका बहुत सारा टाइम बच जाता है। लेकिन ये कैसे कार्य किया जाएगा, इसी के ऊपर आज के इस वीडियो में हम डिटेल से बात करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर आप इस वीडियो को इंस्टाग्राम फेसबुक पर देखते हैं तो प्लीज हमें फॉलो कर लीजिए। तो बिना देरी किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो फेसबुक के अंदर इंस्टाग्राम अकाउंट ऐड करने के लिए आपको सबसे पहले फेसबुक एप्लीकेशन या फेसबुक को अपने क्रोम ब्राउजर के अंदर ओपन करना होगा। तो यहाँ पे मैंने फेसबुक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके रखा है, इसलिए मैं फेसबुक एप्लीकेशन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे फेसबुक ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये मेरा एक फेसबुक अकाउंट है जहाँ पे मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट ऐड करना है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऊपर आपको 3 डॉट दिखाई दे रहे होंगे, अर्थात 3 लाइन दिखाई दे रही होंगी, इसी के ऊपर आपको क्लिक करना होता है। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे, आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ऊपर ही मिल जाएगा ऑप्शन यहाँ पे, या यहाँ पे मिल जाता है आपको सेटिंग एंड प्राइवेसी, ये ऑप्शन आप देख सकते हैं, ये सेटिंग एंड प्राइवेसी। तो आपको सेटिंग वाले ऑप्शंस पे ही क्या है, क्लिक करना होता है। जैसे सेटिंग के ऑप्शंस पे आप क्लिक करेंगे, आपको जो यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन है मेटा अकाउंट सेंटर, इसी के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, सबसे पहला मिलेगा ऑप्शन शेयरिंग अक्रॉस प्रोफाइल, जहां से भी आप इंस्टाग्राम अकाउंट को ऐड कर सकते हैं, या एक नीचे आपको मिल जाएगा अकाउंट का ऑप्शन, जो कि यहाँ पे यहाँ से भी कर सकते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, शेयरिंग अक्रॉस प्रोफाइल के ऊपर क्लिक कर देते हैं, और जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे यहाँ पे पूछेगा ऐड अकाउंट का ऑप्शन आ जाएगा, आपको ऐड अकाउंट पे क्लिक करना होगा। जैसे ऐड अकाउंट पे क्लिक करते हैं यहाँ पूछेगा आप कौन सा अकाउंट ऐड करना चाहते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे वो इंस्टाग्राम अकाउंट पहले से आपके मोबाइल के अंदर ऐड हो और वो यूज में हो। अगर आप दूसरा कोई करेंगे तो उसके लिए आपको नॉट नाउ पे जाके फिर ऐड करना होगा। तो ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, इसी को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद फिर से यहाँ पे एस फिनिश पे क्लिक करता हूँ। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट फेसबुक के अंदर ऐड होना स्टार्ट हो जाएगा और ऐड हो गया। अब ये जब ऐड हो जाता है, आप चाहे तो यहाँ पे नीचे अकाउंट पर भी क्लिक करके देख सकते हैं, यहाँ पे आपको अकाउंट ऐड होते हुए दिखाई देंगे। अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि कैसे कोई भी पोस्ट जब फेसबुक पे की जाती है तो इंस्टाग्राम पे पहुंचती है कि नहीं, इसके लिए हम यहाँ पे बैक पे आ जाते हैं और यहाँ पे और बैक पे आ जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम कोई पोस्ट करना चाहते हैं तो पोस्ट कैसे करना है, सिंपल सा तरीका है। यहाँ पे ऊपर आपको देखने को मिल रहा होगा एक यहाँ पे प्लस का निशान, इस प्लस पे क्लिक करना होता है, पोस्ट पे जाना होता है और यहाँ पे आप चाहें तो फोटो ले सकते हैं, वीडियो, तो मैं फोटो पे क्लिक करता हूँ। कोई भी यहाँ पे हम फोटो लेना चाहते हैं फोटो ले सकते हैं, बहुत सारी मल्टीपल फोटो हमारे इसके अंदर रखी हुई है। तो मैं सुप्रभात करके एक ये है श्री राधे की फोटो, इसी को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, पोस्ट पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे पोस्ट पे आप क्लिक करेंगे, अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या पोस्ट यहाँ पे मेरे इसमें हो गई। तो यहाँ पे अभी देख सकते हैं ये पोस्ट यहाँ पे होना स्टार्ट हुई थी और ये देखो पोस्ट आ चुकी है। अब हम जाते हैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे, देखते हैं कि पोस्ट वहां पे पहुंची है कि नहीं, अगर नहीं पहुंची है तो क्यों नहीं पहुंची, उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पे क्लिक किया है तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं वो पोस्ट अभी यहाँ पे नहीं आई, अर्थात यहाँ पे कुछ तो प्रॉब्लम रही होगी जो पोस्ट नहीं आई। तो हम एक बार पुनः जाते हैं, आपको दिखाते हैं कि आप क्या गलती कर देते हैं जिससे पोस्ट नहीं पहुंचती है। तो यहाँ पे जाना है, प्लस पे क्लिक करना है, पोस्ट पे जाना है और फोटो पे क्लिक करना है, कोई भी फोटो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है, मल्टीपल फोटो है, इसमें से मैं एक फोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ, पोस्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे पोस्ट पे देखो, यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर ही आपको दिख रहा है इंस्टाग्राम ऑफ है, तो इसको यहाँ से क्लिक करना होगा, इसको भी क्या करना होगा ऑन करना होगा, तभी यहाँ पे तो शेयर होगा, ये ऑफ था, मैंने पहले किया नहीं था आपको बताने के लिए, अभी मैंने ऑन कर दिया है। अब यहाँ पे देखो पोस्ट करेंगे, अभी पोस्ट हो रही है, यहाँ पे फाइल देख सकते हैं बहुत फास्ट पोस्ट हो जाती है क्योंकि मेरी फोटो है छोटी सी, ये जैसे पोस्ट होती है, पहले मैं आपको दिखाऊंगा फेसबुक पे, जैसे कि देख सकते हैं देखो पोस्ट हो चुकी है। पोस्ट होने के बाद अब हम यहाँ पे जाते हैं अपने फेसबुक पे और आई एम सॉरी इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम पे भी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और आप देख सकते हैं देखो यहाँ पे पोस्ट आ चुकी है जो कि मैंने अभी फेसबुक पे किया था।
इस प्रकार से आप कोई भी पोस्ट अपने फेसबुक पे कर सकते हैं, वो पोस्ट ऑटोमेटिकली आपके इंस्टाग्राम पे आ जाएगी और यहाँ पे आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा। और यहीं पे अगर आप चाहते हैं कि फेसबुक इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट करें वो ऑटोमेटिकली आपके जो है फेसबुक पहुंच जाए तो भी कर सकते हैं। इसके लिए जैसे कि मैं यहाँ पे पोस्ट पे जाता हूँ, कोई भी फोटो एक सिलेक्ट कर लेता हूँ, रैंडम है यहाँ पे फोटो, मैं इसको ले लेता हूँ। और यहाँ पे पोस्ट के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको देखो यहाँ पे मिल जाएगा शेयर ऑन यू जो है फेसबुक। यहाँ पे अगर आप इसको ऑन कर देते हैं तो यहाँ से आपकी फोटो क्या है फेसबुक पे ऑटोमेटिक चली जाएगी। अर्थात कहने का मतलब है कि आप चाहे इंस्टाग्राम पे अपलोड करें चाहे फेसबुक पे, अगर फेसबुक पे करेंगे तो ऑटोमेटिक इंस्टाग्राम पे आ जाएगी, अगर इंस्टाग्राम पे करेंगे तो ऑटोमेटिक फेसबुक पे आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पे देखो एक पोस्ट हो चुकी है, अब इसी को मैं फेसबुक पे दिखाने वाला हूँ। तो फेसबुक पे जाते हैं, इसको बार रिफ्रेश करते हैं और अपना यहाँ पे प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं, देख सकते हैं देखो पोस्ट आ चुकी है। तो इस प्रकार से आप कोई भी पोस्ट कर सकते हैं चाहे इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, बस आपको क्या करना है आपस में अकाउंट को लिंक कर लेना है। तो आज की वीडियो में इतना रखते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ में, जब तक के लिए धन्यवाद।